नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप अपने स्टेट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस यानी कि ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसे लगेंगे और इसके साथ साथ किस ऑफिस में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी भी स्टेट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस को यानी कि ठेकेदारी के लाइसेंस को चार कैटेगरी में बांटा गया है, ए क्लास लाइसेंस, बी क्लास लाइसेंस, सी क्लास लाइसेंस और लास्ट जो है डी क्लास लाइसेंस है। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, ठेकेदार बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डी क्लास का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सो चलिए देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में डी क्लास का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ आपको कौन कौन से ऑफिस जाना पड़ेगा। डी क्लास का लाइसेंस बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपका पासपोर्ट हो गया या फिर इलेक्ट्रिक बिल हो गया, ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। तीसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अपने एरिया के साइबर कैफे या फिर जन सुविधा केंद्र पर चले जाइए, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी नंबर के लिए, ठीक है। चौथे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हैसियत प्रमाण पत्र क्या है। हैसियत प्रमाण पत्र से यह पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि आप कितने चल या फिर अचल संपत्ति के मालिक हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन उठता है कि यदि आपके पास हैसियत प्रमाण पत्र नहीं है तो आप हैसियत प्रमाण पत्र कहाँ से बना सकते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के दो तरीके हैं, पहला ऑनलाइन है, दूसरा ऑफलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन तरीके की बात की जाए तो आप अपने एरिया के साइबर कैफे या फिर जन सुविधा केंद्र पर चले जाइए, वहां से आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर आपका हैसियत प्रमाण पत्र बन के आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आप ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो आप कलेक्टर ऑफिस चले जाइए। कलेक्टर ऑफिस में हैसियत प्रमाण पत्र बनाने का एक स्पेशल ऑफिस होता है, आप उस ऑफिस में चले जाइए, किसी से पूछिए, आप वहाँ पर चले जाइए, आपका हैसियत प्रमाण पत्र बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने एरिया के थाने से बनवा सकते हैं, बट गिने चुने ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनाने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनाने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता, स्पेशली डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस में, ठीक है। सो आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाकर ये पता कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनवाने के लिए, डी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनवाने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं। और इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है वो कहाँ से बनाएंगे। सो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके एरिया में जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो आप उससे जाकर संपर्क कीजिए और उनसे बताइए कि हमें डी क्लास के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए हमें अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। यदि बड़ी कंपनी का ठेकेदार चाहेगा तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा। यदि नहीं बना रहा है तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करो, कोई ना कोई तो आपको बनाकर दे ही देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक या फिर डिप्लोमा किया है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी कंपनी से कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बीई, बीटेक या फिर डिप्लोमा आपने जो कर रखा है उसका सर्टिफिकेट आपको लगा देना है। सो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में यदि कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनाना है तो वीडियो में अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इतने ही डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी। सो इन सभी में यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो सबसे पहले आप बना लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सभी डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद हम पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए कहाँ से अप्लाई करेंगे। पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट में पीडब्ल्यूडी ऑफिस होगा। सभी डिस्ट्रिक्ट में पीडब्ल्यूडी ऑफिस जरूर से जरूर होता है।
पीडब्ल्यूडी ऑफिस में आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कैबिन जाना होगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कैबिन में रजिस्ट्रेशन बाबू होगा। रजिस्ट्रेशन बाबू से आपको संपर्क करना है। रजिस्ट्रेशन बाबू सभी डॉक्यूमेंट चेक करके कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस अप्लाई करवा देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेट में ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, सो आप अपने स्टेट का पता कर लीजिए। यदि आपके स्टेट में ऑनलाइन प्रक्रिया है तो आप जनसुविधा केंद्र से भी अप्लाई कर सकते हो। बट ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी आपको अपने एरिया के, अपने डिस्ट्रिक्ट के पीडब्ल्यूडी ऑफिस जरूर से जरूर जाना होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपको पूरा एक महीना वेट करना होगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है तो एक महीने के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्त, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके हर कमेंट का जवाब जरूर से जरूर किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।